करणी सेना हिमाचल प्रदेश इकाई ने आज राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में जिला और विधानसभा स्तरों पर उल्लास पर्व यज्ञ का आयोजन किया गया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने मीडिया में जारी अनौपचारिक बयान में बताया कि कई सालों से राम मंदिर का मामला अदालतों में लंबित पड़ा रहा। हिंदू और सनातन धर्म के लिए करीब 500 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, परंतु अब देशवासियों के लिए खुशी की घड़ी नजदीक आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में हुआ है और हिमाचल प्रदेश करणी सेना ने आज राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उल्लास पर्व यज्ञ का आयोजन कर रही है। सभी करणी सैनिकों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोविड-19 के तहत सभी नियमों का पालन किया जाए और मास्क के बिना कोई घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का सख्ती से पालन किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर सभी जगह सादगी भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो भी करणी सैनिक कहीं बाहर यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकता, वह पदाधिकारी या कार्यकर्ता अपने घर पर ही हवन यज्ञ का आयोजन करेगा, ऐसा सुनिश्चित किया जा चुका है। राम जन्मभूमि के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों से लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी है और उन सभी वीर और वीरांगनाओं के प्रति भी करणी सेना अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। आज राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर बिलासपुर में करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ आज हमने भूमि पूजन किया। इस यज्ञ के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ करणी सेना बिलासपुर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 500 सालों से ये लड़ाई चली जा रही थी और तकरीबन 500 सालों बाद जो है आज श्री राम जन्मभूमि की भूमि पूजन जो है पूरा हुआ। इस शुभ अवसर पर आज हम पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को बधाई देते हैं और इस पर्व को ऐतिहासिक पर्व मनाने के लिए आप सभी अपना योगदान दें। आप सभी अपने अपने घरों में दीप जलाएं, हवन करें, क्योंकि इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में ये 500 सालों से जो लड़ाई चली आ रही थी इसमें तकरीबन 5 लाख से अधिक वीर और वीरांगनाओं ने शहीदी दी है। तो उन शहीदों को भी करणी सेना हिमाचल प्रदेश श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और आज इस भूमि पूजन के अवसर पर मैं सभी लोगों को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी आज शाम को दीप प्रज्वलित भी अपने घरों पे करें, अपने घरों पे यज्ञ का आयोजन करें। आज बिलासपुर के सभी कार्यकर्ता इस यज्ञ में उपस्थित थे, तो सभी लोगों को इस जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम, जय श्री राम।